हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी ट्रिक दोस्तों वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स अगर आपको देखिए मंथली करंट अफेयर का पी डाउनलोड करना है या फिर इस वीडियो का पी डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी ट्रिक अपलीकेशन डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं देखिए फ्रेंड्स इस वीक का देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है तरेपन्वे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो फ्रेंड्स किसे सम्मानित किया गया है अभिनेत्री वहीदा रहमान को तरेपनवे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान का जन्म जो है वो भारत के तमिलनाडु के चंगलपट्टू में हुआ था वहीदा रहमान जो है ये देखिए भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना भी रही हैं वहीदा रहमान ने देखिए अपने करियर की शुरुआत दिर् जो है वो साउथ सिनेमा की फिल्म रोजुलू मराई से करी थी अगर हम देखिए इनकी पहली हिंदी फिल्म की बात करें तो वो कौन सी रही हैं सी रही हैं इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की कई चर्चित फिल्मों में काम किया है जैसे कि गाइड प्यासा कागज के फूल चौधरी का चांद इन सभी फिल्मों में उन्होंने देखिए अभिनय किया है वहीदा रहमान को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्मभूषण भी दिया जा चुका है ध्यान रखिएगा हाल ही में तिरपनवे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान को यहाँ पर देखिए हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो भारत सरकार की ओर से सिनेमा जगत में दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है ये पुरस्कार व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है कब देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी पहली बार देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को नाइनटीन में अगर हम देखिए इससे जस्ट पहले बावनवे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो वो दिया गया था आशा पारेख को चीज भी आप ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या है देखिए फ्रेंड्स विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस जो है वो मनाया जाता है इस साल विश्व पर्यटन दिवस 2023 का मेजबान देश जो है वो कौन रहा है सऊदी अरब रहा है दो में विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी ध्यान रखिएगा टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट डी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है लोगों को पर्यटन के लिए प्रेरित करना पर्यटन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 27 सितंबर को और 2023 में इसकी थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निदेशक किसे बनाया गया है तो फ्रेंड्स वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है विवेक भसीन को देखिए अजित कुमार मोहंती के स्थान पर नियुक्त किया गया है मई 2023 में अजित कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया था यहां पर देखिए हम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे हैं तो यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है जिसकी स्थापना नाइनटीन में हुई थी ध्यान रखिएगा इस चीज को भी यहां पर विवेक भसीन बिल्कुल सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत के देखिए हरित क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन का निधन जो है वो अंठाणूं वर्ष की आयु में हो गया कहाँ पर चेन्नई में देखिए एम एस स्वामीनाथन के अचीवमेंट्स की बात करें तो भारत सरकार द्वारा इन्हें 1967 में पद्मश्री 1972 में पद्मभूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था साथ ही में फ्रेंड्स 1971 में इन्हें से पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था तो देखिए भारत की बहुत ही जानी मानी हस्ती हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया यहाँ पर देखिए हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हरित क्रांति की बात कर रहे हैं तो ये क्या है हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1960 के देखिए दशक में नॉर्मन बोर्लो के द्वारा की गई थी इस कारण इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में देखा जाता है भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व जो है वो मुख्य रूप से एम एस स्वामीनाथन द्वारा किया गया था इसी कारण से एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा भारत में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी 1965 से 1968 में हुई थी इसका उद्देश्य क्या था भारत के कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भारत को देखिए खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना ठीक है क्लियर हुआ आपको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में देखिए सागर स्थित नोरादेही अभ्यारण्य और दमोह स्थित रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया गया है इसके साथ ही मध्य प्रदेश को देखिए उसका सातवां टाइगर रिजर्व मिला और देश को चौपनवा टाइगर रिजर्व मिला ध्यान रखिएगा देश में वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है फिफ्टी हो गई है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये देखिए मध्य प्रदेश के सागर दमोह और नरसिंहपुर तक फैला हुआ है जिसका कुल क्षेत्रफल जो है वो तेवीस वर्ग किलोमीटर है जो कि आकार की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के साथ ही टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश जो है देश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया है महाराष्ट्र में देखिए टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है छह है और मध्य प्रदेश में कितनी हो गई है सात हो गई है ये सात देखिए टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में कान्ना टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ सतपुड़ा संजय पेंच पन्ना टाइगर रिजर्व और हाल ही में देखिए घोषित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व तो ये सात टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चर्चित ऑसेरिस रैक्स एस्ट्रॉइड मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष संस्था से है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स किस संस्था से संबंधित है नासा से संबंधित हैं हाल ही में नासा का देखिए ऑसेरिस रैक्स अंतरिक्ष यान जो है एस्ट्राइड बेनू का सैंपल लेकर पृथ्वी पर सफलतापूर्वक उतर चुका है इसमें बेनू का लगभग 250 ग्राम मलबा जो है वो साथ में लेकर आया है इस मिशन के द्वारा शुद्र ग्रह के निर्माण के बारे में पता लगाया जाएगा अगर हम देखिए एस्ट्रॉइड बेनू की बात करें तो ये पृथ्वी के लिए देखिए संभावित रूप से एक खतरनाक शुद्ध ग्रह में से एक माना जाता है यहाँ पर देखिए औसेर रेक्स मिशन की बात करते हैं तो इसे सेप्टेंबर दो में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था इसे तीन साल पहले जापानी मिशन हायाबूसा टू जो है वो भी देखिए पृथ्वी के एक शुद्र ग्रह के नमूने को लेकर पृथ्वी पर उतरा था तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ऑसेरिस रेक्स एस्ट्रॉइड मिशन का संबंध है नासा से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चर्चा में रहा फाइव आइज़ अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम फाइव आइज अलायंस की बात कर लेते हैं देखिए ये जो एक अलायंस है ये एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं इस अलायंस का जो निर्माण है देखिए कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था इस गठबंधन के जो राष्ट्र हैं ये राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जानकारी जो है वो साझा करते हैं एवं खुफिया मामलों में सहयोग करते हैं शुरुआत में देखिए इस अलायंस में ब्रिटेन और यूएसए थे इस गठबंधन में नाइनटीन में कनाडा और नाइनटीन में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया था अब बात करते हैं देखिए कि ये अलायंस चर्चा में क्यों है तो फ्रेंड्स हाल ही में कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी की देखिए हत्या का मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखिए सुर्खियों में है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो का भारत सरकार और एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या के बीच संभावित संबंध का आरोप जो है फाइव आइज अलायंस की देखिए खुफिया जानकारी पर आधारित बताया है इसीलिए देखिए अलायंस जो है वो सुर्खियों में है तो इस अलायंस के देखिए देशों का नाम जो है वो ध्यान रखिएगा कौन सा देश देखिए इसमें शामिल नहीं है अमेरिका शामिल है कनाडा भी शामिल है न्यूजीलैंड भी शामिल है भारत जो है इस अलायंस का हिस्सा नहीं है डी आंसर यहां पर सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बीसवे राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां पर किया गया तो फ्रेंड्स बीसवे राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन जो है देखिए लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में किया गया कहां पर उत्तर प्रदेश लखनऊ में ए आंसर यहां पर सही होगा बीसवे राष्ट्रीय पुस्तक मेले की देखिए थीम क्या थी ज्ञान कुंभ इस ग्यारह दिवसीय पुस्तक उत्सव में विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि पुस्तक विमोचन लेखकों के साथ देखिए इंट्रैक्शन कवि सम्मेलन मुशायरा युवा और बच्चों के लिए देखिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स विश्व राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया लखनऊ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी की देखिए स्मृति में राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया ये जो वाटिका है 14,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में पिच्यासी करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई हैं गांधी वाटिका देश का पहला म्यूजियम है जहां पर हेलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गांधी जी की तस्वीरें जो है वो बोलती हैं गांधी वाटिका को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है नई पीढ़ी को गांधी जी के दर्शन और शिक्षा से प्रेरित करना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स राजस्थान के जयपुर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चर्चित चौक परियोजना का संबंध किस राज्य से है किस राज्य से देखिए संबंधित हैं छत्तीसगढ़ से हाल ही में छत्तीसगढ़ की चौक परियोजना को विश्व बैंक और भारत सरकार से मंजूरी प्राप्त हो गई है चौक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है स्कूली शिक्षा में सुधार करना इस परियोजना के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक की सहायता से शिक्षा गुणवत्ता सुधार के साथ साथ स्कूलों के कायाकल्प किए जाने पर फैसला किया गया है जिसमें इस परियोजना के माध्यम से आगामी पाँच वर्षों में विश्व बैंक की ओर से कुल 300 मिलियन डॉलर लगभग 2500 करोड़ रुपए की मदद जो है वो प्रदान की जाएगी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स चौक परियोजना जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कर्मा पर्व या फिर करम पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व है किस राज्य का देखिए प्रमुख पर्व है ये झारखंड का हाल ही में फ्रेंड्स देखिए करम पूजा का आयोजन जो है वो झारखंड में किया गया ये उत्सव जो है झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल बिहार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ असम ओडिशा और बांग्लादेश में मनाया जाता है ये पर्व जो है हिंदू पंचांग के भादो मास में देखिए सेलिब्रेट किया जाता है ध्यान रखिएगा झारखंड राज्य से संबंधित है ए आंसर यहां पर सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्ध पोत ने भाग लिया तो फ्रेंड्स हिंद प्रशांत महासागर में सुरक्षा उद्देश्य से भारतीय नौसेना के देखिए स्वदेशी निर्मित युद्ध पोत आई सहाद्री ने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में देखिए भारत की ओर से भाग लिया आई एन ने बी आंसर यहां पर सही होगा इस त्रिपक्षीय अभ्यास का देखिए उद्देश्य क्या है तीनों समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ एक स्थिर शांतिपूर्ण और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र को विकसित करना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स भारत की ओर से आई एन ने पार्टिसिपेट किया था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं उन्नीसवें एशियाई गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है तो जैसा कि फ्रेंड्स उन्नीसवें एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो चाइना के देखिए होंगो में किया जा रहा है जिसमें देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है ये आंसर यहाँ पर सही होगा देखिए फ्रेंड्स एशियाई गेम्स से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो प्लान किया जाएगा जैसे ही एशियन गेम्स कंप्लीट होते हैं हम देखिए डिटेल में एशियन गेम्स को स्टडी करेंगे एंड सारे एमसीक्यू जो है वो कवर करेंगे ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही हैं कौन सी यूनिवर्सिटी रही है देखिए फ्रेंड्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंग्लैंड की ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो पहले स्थान पर रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद में यूनिवर्सिटी रैंकिंग दो में अमेरिका की स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो दूसरे स्थान पर रही है टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दो में एक देशों के 1904 विश्वविद्यालय को रैंकिंग जो है वो प्रदान की गई है जिसमें से भारत के देखिए 91 विश्वविद्यालय जो है वो शामिल हैं अगर देखिए भारत की हम टॉप रैंकिंग की बात करें तो भारतीय यूनिवर्सिटी में पहले स्थान पर कौन रहा है आईएएससी बेंगलोर रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहले स्थान पर देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दो किसे प्रदान किया गया है प्रसिद्ध आध्यात्मिक माता अमृतानंद मई देवी को 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए देखिए चुना गया है माता अमृतानंद मई देवी को यह पुरस्कार जो है वैश्विक शांति आध्यात्मिकता और करुणा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है माता अमृतानंद मई की बात करते हैं तो देखिए एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें विश्व भर में अम्मा के नाम से जाना जाता है यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा माता अमृतानंद मई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चर्चित अफ्सपा का पूर्ण रूप क्या है देखिए फ्रेंड्स अफ्सपा जो है ये देखिए काफी ज्यादा सुर्खियों में है क्यों देखिए सुर्खियों में है इसको हम देखिए अच्छे समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि अफ्सपा जो है ये है क्या तो देखिए ये एक भारतीय कानून है जो कि भारतीय सुरक्षा बलों को विशेष शक्ति और अधिकार प्रदान करता है अब बात करते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है तो हाल ही में मणिपुर के देखिए पहाड़ी इलाकों में छः महीने के लिए अफ्सपा को देखिए बढ़ाया गया है अफ्सपा कानून एक अक्टूबर दो से देखिए प्रभावित हो गया है देखिए फ्रेंड्स अफसपा को पहली बार साल 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से भारतीय संसद में लाया गया था ये चीज भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ए आंसर यहाँ पर सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं टी क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है देखिए फ्रेंड्स एशियन गेम दो में मंगोलिया के खिलाफ नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने नौ गेंदों में देखिए अर्धशतक लगाकर टी ट्वेंटी क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया है नेपाल के खिलाड़ी हैं दीपेंद्र सिंह एरी बी आंसर यहाँ पर सही होगा इससे पहले जो ये रिकॉर्ड है भारत के देखिए युवराज सिंह के नाम पर था जिन्होंने बारह गेंद में अर्धशतक जो है वो लगाया था इसी के साथ साथ एशियन गेम 2023 में मंगोलिया और नेपाल के बीच खेले गए मुकाबले में नेपाल टी इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम भी बन गई है ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा यहां पर दीपेंद्र सिंह एरी बिल्कुल सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के देखिए गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया भारत ड्रोन शक्ति की बात करते हैं तो इस कार्यक्रम का आयोजन जो है भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमताओं का प्रदर्शन करना और विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां पर किया गया उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस किस शहर में शुरू की गई कहां पर देखिए शुरू की गई दिल्ली के अंदर दिल्ली के देखिए कर्तव्य पथ पर केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की देखिए शुरुआत की है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है प्रदूषण को कम करना हाइड्रोजन को फ्रेंड्स देखिए फ्यूचर का फ्यूल भी माना जाता है ध्यान रखिएगा देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की शुरुआत जो है वो दिल्ली में की गई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो फ्रेंड्स हाल ही में गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है इंटेल की बात करें फ्रेंड्स हम तो ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी इसके संस्थापक कौन हैं गॉर्डनर मूर रॉबर्ट नायस और ऑर्थर रॉग ध्यान रखिएगा गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास किया तो फ्रेंड्स कहाँ पर किया है वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देखिए संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग चार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला जो है वो रखी है ये स्टेडियम जो है भगवान शिव से जुड़ी वस्तुएं जैसे कि त्रिशूल बेलपत्र डमरू इनकी थीम पर देखिए बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश का देखिए यह तीसरा इंटरनेशनल स्टेडियम होगा उत्तर प्रदेश में इससे पहले जो दो स्टेडियम है वो कौन कौन से हैं कानपुर में ग्रीन पार्क और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम ध्यान रखिएगा तीसरा स्टेडियम बनने जा रहा है वाराणसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है तो फ्रेंड्स देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में दुनिया की चौंसठ अर्थव्यवस्थाओं में भारत को छप्पनवे स्थान पर रखा है फिफ्टी ए आंसर यहाँ पर सही होगा पिछले साल देखिए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग दो में भारत बावनवें स्थान पर था वहां से देखिए चार पायदान खिसक कर भारत जो है वो छप्पनवे स्थान पर आ गया है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में अगर हम देखिए टॉप तीन कंट्री की बात करें तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर लेग्जम्बर्ग और तीसरे स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है तो ये क्रम भी ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है भारत को छप्पनवा स्थान दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित हैं तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना जो है ये बिहार राज्य से संबंधित हैं हाल ही में देखिए बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत करी है इस योजना के तहत पचास प्रतिशत सब्सिडी के साथ दस लाख रुपए का लोन जो है वो दिया जाएगा ध्यान रखिएगा बिहार राज्य से संबंधित हैं नेक्स्ट आता देखिए हाल ही में किस राज्य के किरिटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है किस राज्य के देखिए पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में किरिटेश्वरी गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है किरिटेश्वरी देखिए गांव की बात करते हैं तो ये देखिए अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा किरिटेश्वरी मंदिर के लिए भी देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं जिसे इक्यावन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स किरिटेश्वरी गाँव जो है कहाँ पर स्थित है पश्चिम बंगाल में स्थित है जिसे हाल ही में देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में पुरस्कार दिया गया है तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे इस वीक के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं आई होप आपने देखिए वीडियो को ध्यान से देखा होगा अगर आपको देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो का पी डाउनलोड करना है या फिर मंथली करंट अफेयर की पी लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक अपीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में भी देखिए मैंने लिंक दे रखा है वहाँ पर क्लिक कर कर भी आप इसका पी डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में टिल देन बाय बाय